हंसराज रघुवंशी एक जानी मानी हस्ती हैं, जिन्होंने अपने हुनर से लोगों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। यह एक जाने माने गायक, संगीतकार और लेखक हैं। इन्होंने कई हिट गाने दिए हैं, जिनसे यह कुछ ही दिनों में अरबों लोगों की एक पसंद बन गए। इन्होंने शिव भगवान से जुड़े कुछ गीत गाए हैं, जिनमें से मेरा भोला है भंडारी इनका प्रसिद्ध गीत है, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। हंसराज रघुवंशी वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के रुद्राक्ष कॉन्वेक्शन सेंटर में 5 सितंबर शाम 6 से 8 के बीच का प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम में जाने के लिए टिकट लगाए गए हैं, बिना टिकट के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। हंसराज ने अपने करियर की शुरुआत मेरा भोला है भंडारी गाने से की थी, जो 2016 में रिलीज़ हुआ था। इन्होंने इसके बाद कई गाने गाए, लेकिन मेरा भोला है भंडारी ने इन्हें सबसे अधिक प्रसिद्ध बनाया। यह गीत विशेष रूप से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और हंसराज के करियर को एक अलग राह दिखाई। यह फिल्म पल पल दिल के पास में बॉलीवुड के पार्श्व गायक के रूप में भी डेब्यू कर चुके हैं, जो अभय देओल, सनी देओल के बेटे द्वारा अभिनीत फिल्म है। फिल्म को जुलाई 2019 में रिलीज किया गया था। हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज। मैं हंसराज रघुवंशी और मैं बताना चाहूंगा, मैं आ रहा हूँ 5 सितंबर 2021 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा वाराणसी, और प्रोग्राम की जो टाइमिंग है वो रहेगी शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में। तो मिलते हैं 5 सितंबर को, तब तक के लिए जय शंकर, जय महाराज। आपका कृषि शर्मा। कौन आ रहे हैं और किस तरीके का प्रोग्राम है ये? बनारस नगरी में, महादेव की नगरी में, महादेव का भक्त हंसराज रघुवंशी आप सभी को झुमाने आ रहा है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा वाराणसी। कब प्रोग्राम है और कहाँ पे रखा है ये प्रोग्राम? 5 सितंबर को है और 6 बजे से 8 बजे तक होगा। ये कौन सिंगर है और किस तरीके गाने गाते हैं? ये एक इंडियन सिंगर है, बट ये महादेव के ज्यादा भक्त है, तो महादेव का और भगवान का स्पिरिचुअल सॉन्ग ज्यादा गाते हैं, भजन, तो वो आपको देखने मिलेगा 5 को।